दोस्तों 15 प्रश्नों के इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए हाथी, बी घोड़ा, सी कुत्ता, डी शेर। इसका सही जवाब है डी शेर। आपका दूसरा सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए गोरखपुर, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली, डी वाराणसी। दोस्तों इसका सही जवाब है ए गोरखपुर। आपका तीसरा सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन का, बी जापान का, सी ऑस्ट्रेलिया का, डी न्यूजीलैंड का। दोस्तों इसका सही जवाब है सी ऑस्ट्रेलिया का। आपका चौथा सवाल है, रामायण और महाभारत में कितने समय का अंतर है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 वर्षों का, बी 200 वर्षों का, सी 400 वर्षों का, डी 500 वर्षों का। दोस्तों इसका सही जवाब है ए 100 वर्षों का। आपका पांचवा सवाल है, भारत में किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री का, बी राष्ट्रपति का, सी मुख्यमंत्री का, डी विदेश मंत्री का। दोस्तों इसका सही जवाब है बी राष्ट्रपति का। दोस्तों हम 5 प्रश्नों और उनके जवाब हल कर चुके हैं। आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए दिवाकर, बी सिद्धार्थ, सी सहदेव, डी राहुल। दोस्तों इसका सही जवाब है बी सिद्धार्थ। आपका सातवां सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही जवाब है डी पाकिस्तान। आपका आठवां सवाल है, ताजमहल को बनाने में कितने मजदूर लगे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 20,000, बी 22,000, सी 24,000, डी 25,000। दोस्तों इसका सही जवाब है ए 20,000। आपका अगला यानी कि नौवा सवाल है, कौन सा जीव 6 दिन तक सांस रोक सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिच्छू, बी सांप, सी चींटी, डी मछली। दोस्तों इसका सही जवाब है ए बिच्छू। आपका दसवां सवाल है, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका सही जवाब है डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाएं। तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत देश में, बी श्रीलंका देश में, सी अमेरिका देश में, डी वेनेजुएला देश में।
दोस्तों इसका सही जवाब है डी, वेनेजुएला देश में। आपका 12वां सवाल है, खाना खाने के बाद क्या खाने से आदमी मर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, केला, बी, अंडा, सी, चाय, डी, पपीता। दोस्तों इसका सही जवाब है सी, चाय। दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। साथ ही चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति को गैस, एसिडिटी की समस्या होने लगती है, और कभी कभी यह चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है कि आदमी की जान भी जा सकती है। आपका 13वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, रोटी, बी, दाल, सी, चावल, डी, खिचड़ी। दोस्तों इसका सही जवाब है डी, खिचड़ी। आपका 14वां सवाल है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, शुगर, बी, पथरी, सी, कब्ज, डी, कैंसर। दोस्तों इसका सही जवाब है सी, कब्ज। दोस्तों फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आंख सिकुड़ जाती है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आदमी कब्ज का शिकायत करने लगता है। आपका 15वां सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने बोला था? आपके ऑप्शंस हैं ए, चंद्रशेखर आजाद ने, बी, महात्मा गांधी ने, सी, सुभाष चंद्र बोस ने, डी, लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही कितने प्रश्नों का सही आंसर आप सभी को पहले से पता था वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।